I can only imagine. Blessing is, इस वक्त अज़ान हो रही है, so it's just right. A blessing, yeah. Should we just pause for 2 minutes? Yeah, I guess. So. Azan, Azan, 2 minutes. हो गई हो गई और इसको थोड़ा खून पिलाना पड़ेगा फिर जोश आएगा. आई थिंक आई एम सॉरी नो नो प्लीज लेडीज नो प्लीज एनी थिंग कर ले. मैं रो रहा हूं थोड़ा थोड़ा सा. चलो अब ये हो गया, अब सच बता. अभी सच. ही इज अ बिग टाइम सड़ू. इससे ज्यादा सड़ू इंसान मैंने देखा नहीं है. सच क्रिएश मेरी जिंदगी का, मेरी मां है, मेरी अम्मी है. पहली बियर मैंने अपनी जिंदगी की मेरी माँ के साथ पी. पहली गर्लफ्रेंड पटाने की तरकीब मेरी माँ ने मुझे सिखाई. पहला बिजनेस मेरा मैंने अपनी माँ के साथ शुरू किया. सो आई थिंक वो मेरा पहला इश्क आखिरी है उस मायने में. आई नो वेयर दिस इज गोइंग. इंस्पिरेशन बिगिंस एट होम ओनली आई गेस. नागिन ऑफ कोर्स माय फेवरेट. ऐसे ही करते हैं यार. सो कम ऑन, तीनों के लिए जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन. Come on, थोड़ा और जोश चाहिए यहाँ पर. इनको थोड़ा खून पिलाना पड़ेगा फिर. जोश आएगा. All right, तो तीनों से ये सवाल है कि इस शो की क्या खासियत है? One by one. हम तीनों? Yes. Simple sweet. Yeah, simple sweet. हम तीनों. नहीं नहीं, शो की क्या खासियत है? हम तीनों. अच्छा आप तीनों. और क्या खासियत है? और क्या बात है शो के बारे में? I think I'm sorry. No, please, ladies first. Anything? आप शुरू कर दीजिए. Please go ahead. अच्छा हाँ, मतलब शो की खासियत apart from हम तीन, I think it's a visual spectacle. You know, हम लोगों ने shoot किया है, the kind of locations that we've shot in, you know, beginning from there, and the kind of layers, जिस तरह की layers हैं हमारे characters के, अरमान, ईशा, वीर. एक ऐसी कहानी है जो कि जिस दुनिया में सेट है, दैट मैजिक, दैट पैशन, दैट इंटेंसिटी, इट इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट इग्नोर, यू नो. एंड हम भेड़िए हैं और ये जो खूबसूरत लड़कियां हैं ये ह्यूमन है, ये दोनों भाई हैं और ये एक ट्रायंगल है, यू नो. सो आप लोगों ने प्रोमोज देखे हैं, आप लोगों ने BTS भी देखा है. आई थिंक That universe itself. Yeah. हम लोग शूट करने जाते हैं तो हम खुद mesmerize हो जाते हैं. तो I can only imagine. Blessing is, इस वक्त अज़ान हो रही है, so it's just right. A blessing, yeah. Should we just pause for 2 minutes? Yeah, I guess. So. अज़ान, अज़ान, 2 minutes. हो गई, हो गई. हो गई. All right. So that's it, man. It's a mesmerizing show. Yeah, और उसके साथ साथ मैं सिर्फ ये add करना चाहूँगा कि ये हर तरीके से एक एक्सपेरिमेंट है शो. हर तरीके से ये एक डिसरप्टिव शो है. ये ना तो एक बाई वीकली शो है जो वीकेंड्स पे दिखेगा, ना ही ये एक डेली सोप है, ना ये आधे घंटे का रोज एपिसोड होगा. ये एक घंटे का कंटेंट आएगा हफ्ते में 3 बार. सो हर तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है चैनल ने, प्रोड्यूसर्स ने, और फिर हमारी भी जिम्मेदारी आती है एज एक्टर्स की हम भी एक्सपेरिमेंट करें अपने किरदार के साथ. सो सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 घंटे हम हर हफ्ते कॉन्टेंट देंगे. और तो इसका मतलब है कि हम हर हफ्ते 2 पिक्चर दिखाएंगे लोगों को. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वो हमें मिस करेंगे. बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा. सो इट्स अ डिसरप्टिव शो, इट्स अ डिसरप्टिव फॉर्मेट. एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस होने जा रहा है टेलीविजन पे. लवली, आपने मेरी आधी स्क्रिप्ट बोल दी यहाँ पर. वाओ, थैंक यू, वेल डन. आपके आधे पैसे भी मुझे, आपके आधे पैसे भी मुझे दे देना. भीम, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल? ये आपके हिसाब से इस कहानी की क्या खासियत है? वेल, आई गेस खासियत ये है दैट तीनों में से, लाइक यू नो, यूजुअली ट्रायंगल्स में क्या होता है कि एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, और तीसरा इंसान जो होता है वो यूजुअली नेगेटिव होता है, वो यूजुअली बुरा होता है, जो दो प्रेमी के बीच में घुसने की कोशिश करता है. बट इन दिस केस हिज कैरेक्टर इज जस्टिफाइड दैट वाई ही वॉन्ट्स ईशा, वाई ही डजंट वॉन्ट ईशा टू बी विद अरमान. हिज लव फॉर ईशा इज जस्टिफाइड. हाँ, जो जस्टिफाइड नहीं है कि हाँ कि वो Isha is still very confused between the two handsome men that we have on show. So ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत interesting लगती है, that usually हर triangle love story में एक negative होता ही है, but इसमें कोई नहीं है. All right, and क्योंकि हम इश्क की बात कर रहे हैं, we are celebrating love. आप तीनों के लिए again individually इश्क के क्या मायने हैं आपके लिए? Let's start with Karan. I think मेरी इश्क की कहानी तो I think it's pretty much out there. A sweet love story. Ishq, I know. I mean, you know, हम लोगों ने इश्क जो सीखा है सिनेमा से, किताबों से, में किताबों में जो पढ़ा है, वो जिसने भी लिखा है उसने ज़रूर इश्क महसूस किया है.
एंड नाउ आई एम इन दैट फेज वेर आई एम एक्चुअली मैं वो सारी चीज़ें महसूस कर रहा हूँ यू नो, तो मुझे समझ में आता है कि ये इश्क है फाइनली. सो आई थिंक वेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट द यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग टू मेक यू हैप्पी, मेक यू फील इन लव, एवरीथिंग वट एवर इज हैपनिंग इज मैजिकल, वो इश्क है. एंड आप जब जवाब दे रहे हैं आपकी आंखों में ही दिख रहा है हाउ मच यू आर इन लव. सो हाँ, वो मैं रो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा. ओके रीम, वेल बहुत ही क्लीशेड साउंड करेगा बट मेरे लिए प्यार इज दोस्ती, बिकॉज आई फील दैट एक पॉइंट बाद सबकी लाइफ से रोमांस, पैशन, वो सब चला ही जाता है, हर 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 रिश्ते का चला जाता है वो, बट दोस्ती की जो है वो वक्त के साथ गहरी होती जाती है और दोस्ती दो लोगों के बीच में से कभी जाती नहीं है, इट नेवर फेड्स आउट. सो आई नो इट साउंड्स रियली क्लीशेड बट फॉर मी लव इज फ्रेंडशिप एंड या इसीलिए रीम ने बहुत लड़कों को फ्रेंड जोन कर दिया. हाँ, मैं हर दोस्त में कहीं ना कहीं अपना वो प्यार ढूंढ रही हूँ कि यू नो लाइक जाने तो जाने रहा, इट इज दैट टिपिकल लव स्टोरी, आई लिव इन दैट फैंटेसी वर्ल्ड. तो इन दिनों में ज्यादा अच्छा दोस्त कौन है? Honestly, the three of us share a very professional bond, which I feel just makes work really easy. Yeah. And the three of us have an amazing understanding, जो कि बहुत जल्दी आ गई हम तीनों के बीच में. Usually, वक्त जाता है and जब show शुरू हो रहा था हमें ना तो ज़्यादा वक्त मिला एक दूसरे के साथ reading करने का या rehearsals करने का. But the kind of understanding that the three of us share, I think it's really commendable and we share a professional bond, which I deeply respect. चलो अभी हो गया, अब सच बता. He is a big time sadhu. इससे ज़्यादा sadhu इंसान मैंने देखा नहीं है. He is such a big sadhu. He is just a big time sadhu. That's all I have to say about him. He is a sadhu. Very attitude-y, like an oldie. He is. अभी बोल रही है. तो कश्मीर आपके लिए इश्क के क्या मायने? यार मेरे लिए तो इश्क वो है जो मतलब आप मुंह से अल्फाज निकलने से पहले अगर आप किसी के दिल की बात समझ लो तो वो इश्क है मेरे लिए. आप अगर किसी के साथ घंटों टाइम स्पेंड करो बगैर कोई बात किए, कंफर्टेबली साइलेंस शेयर कर पाओ, तो वो मेरे लिए इश्क है. और मेरा पहला और उस मायने में आखिरी इश्क मेरी ज़िंदगी का मेरी माँ है, मेरी अम्मी है. पहली बियर मैंने अपनी ज़िंदगी की मेरी माँ के साथ पी, पहली गर्लफ्रेंड पटाने की तरकीब मेरी माँ ने मुझे सिखाई, पहला बिजनेस मेरा मैंने अपनी माँ के साथ शुरू किया. सो आई थिंक वो मेरा पहला इश्क है, आखिरी है उस मायने में. लवली, अपनी माँ को मेरा भी सलाम. वी नीड मोर मदर्स लाइक हर. काश मेरी माँ ने मुझे मारा नहीं होता इंस्टेड ऑफ. ठीक है, कोई बात नहीं. बट ओके करण, यू आर प्लेइंग अ वेयरवुल्फ इन दिस, राइट? तो समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू यूजुअली डन. तो ये फैंटेसी ड्रामा का इंस्पिरेशन आपको कहां से आया? कहीं ये किसी अपने से तो नहीं आया? आई नो वेयर दिस इज गोइंग. आई थिंक या मतलब इंस्पिरेशन बिगिंस एट होम ओनली आई गेस. बट यू नो जोक्स अपार्ट, कलर्स इज अ चैनल हु हैज which has, my bad, mastered this genre. And I don't think ki Hindustan mein colors ke alawa koi aisa channel hai jo pade bada dena thoda sa. I don't think any other channel has come near to what colors has done. Nagin, of course, my favorite. Yeah, ऐसे ही करते हैं यार. सो या आई थिंक दे हैव इट इन देम एंड हेंस यू नो इफ यू सी इन प्रोग्रेसिव ऑर्डर, इश्क में तेरे इश्क में घायल इज एन एवोल्यूशन ऑफ व्हाट देव ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड एंड इट डजंट गेट बेटर देन दिस. राइट, एब्सोल्युटली. कम ऑन, तालियां थोड़ी कम हो रही है एवरीबॉडी. लव यू टू. एंड जो आपने कहा कि ये सब ऐसे ही करते, ट्रस्ट मी, आई पोस्टेड अ स्टोरी ऑफ व्हाट आई एम होस्टिंग. I didn't even post any of your pictures in that. लेकिन आपके इतने सारे fan clubs ने already follow शुरू कर दिया. और क्या? Yeah, absolutely. So many people love you. It's like millions of people.